alaikum, my name is rumeshapavase and here i am introducing myself on the platform of Telimets education so as you know we are going through the guidelines related to autonomic nervous system and here is the last topic which we are going to cover is adrenergic antagonism सो ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एड एनर्जी के ये हमारा जो एन एस है ए एन एस का लास्ट टॉपिक है पिछले जो हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं उसके वीडियोज़ के जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी अब इसमें से जो सबसे पहले करने वाली चीज़ है वो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन आपने ज़रूर करनी है क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती आती हूँ कि क्लासिफिकेशन से आपको थोड़ा जो है ऑफ अफेक्शन का आइडिया हो जाता है क्लासिफिकेशन आई प्रेफर आप कैटरिंग से कर लीजिएगा उसके अलावा ये जो ड्रग्स आगे हैं फिनॉक्सी है फेंटोलमीन है जो ये दोनों ड्रग्स हैं ये दोनों ही नॉन सेलेक्टिव होती हैं लेकिन जो डिफरेंस इसमें ये होता है वो ये होता है कि ये जो फिनॉक्सीवेन जमीन है ये इरिवर्सिबल होती है और जो फेंटोलमीन है वो रिवर्सिबल होती है मूविंग फॉर्वर्ड हमारे पास जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एपिनेफ्रीन रिवर्सल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब एपिनेफ्रीन रिवर्सल का बच्चों को एंड तक प्रू तक नहीं कॉन्सेप्ट होता कि एपिनेफ्रीन रिवर्सल क्या होता है बेसिकली ये ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एपिनेफ्रीन से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है लेकिन ऐसा क्या सनहरी होता है कि हमारे पास एपिनेफ्रीन देने के बावजूद हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं कर रहा होता डिक्रीज कर रहा होता है तो ये बेसिकली फिनोमेना होता है एपिनेफ्रीन रिवर्सल का उसके बाद फ्यू फ्यूसाइडोक्रोमामिस इसको दे रहे होते हैं फेंटोलोमिन का मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है बाकी जो है पैराजोसिन और ट्रेजोसिन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मेकनिजम ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है इसका यूज़ इंपॉर्टेंट है इसके एडवर्स इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है अब इसका एम सी क्यूज लास्ट ईयर प्रॉफ में भी आया हुआ था कि बिनायन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में हम कौन सी ड्रग दे रहे होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसके जो सिम्पथैटिक सिस्टम और पैरासिम्पथैटिक सिस्टम के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना ये बेसिकली आसान होते हैं करने फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि आप जो है ना एक्टिविटी चल रही है मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह वाइल्ड एनिमल की एग्ज़ाम्पल दी थी कि जैसे आप लेट सपोज चल रहे हैं और अगर हम पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें ठीक है तो सेम्पथेटिक में फ़ाइट एंड फ्राइट की कंडीशन में आपके जी आई टी की मोटैलिटी डिक्रीज होती है जी आई टी की मोटैलिटी डिक्रीज़ होगी तो डाइजेशन का प्रोसेस इनहिबिट हुआ होता है तो हमारे पास अगर हम सेम्पोथोमोमेटिक देते रहे कि सेम्पथेटिक एक्टिविटी चल रही है तो हमारे पास उसका ऑब्वियसली ओवर डोजेज होगी तो क्या हमारे पास एडवर्स इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली जब मोटेलिटी नहीं हो रही डाइजेशन नहीं हो रही तो हमारे पास कॉन्सिपेशन आएगा ठीक है ये जस्ट ए, एक एन एग्जाम्पल है कि अगर हम सिंपथोमोमैटिक दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जब हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं सिंपथेटिक एक्टिविटी को तो उसके रिवर्स आएगा उसके बाद आ जाता है इसमें ये ड्रग है यूहिम्बीन इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में दे रहे होते हैं ये अल्फ़ा टू ब्लॉकर है ये आपने चीज़ याद करनी है उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स हैं बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेलोल तो मैं कहती हूँ इस चैप्टर में अगर कुछ करने वाली चीज़ है ना जो बंदा के, के प्रॉफ में आनी आनी है चांसेस हैं 80 टू 90 परसेंट चांसेज है वो होते हैं प्रोपेलोल के प्रोपेनोल के आपको एक्शन पता होने चाहिए एक्शन से ज़्यादा आपको जो है ना इसके थेरापटिक यूजेज़ पता होने चाहिए अब ये इतनी थेरी लिखी हुई है थेरी लिखी है आपको बताने के लिए कि हाइपर में क्यों यूज़ होती है अनजाइना में यूज़ होने का क्या मेकनिज़म है बट प्रॉफ में जो पूछा जाता है आप फार्मेसी के स्टूडेंट तो नहीं है जो आपको इतना कॉन्सेप्ट हो लिप एंड कॉट बेसिकली उनके लिए बनी होती है कि इतनी डिटेल्ड स्टडी लेकिन क्योंकि एन एस हमारा बेसिक होता है तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं यहाँ से कर लें अब बेसिकली हमारे पास ये है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाइपर टेंशन में यूज़ होते हैं अनजाइना में यूज़ होता है माओकॉर्डियर इन्फॉक्शन में माइग्रेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक निमोनिक होता है थप्पड़ टी एच ए डबल पी ए डी अब इसका इस तरह से आप लोग निमोनिक कर सकते हो और यहाँ आप खुद भी बना सकते हो कि थायरोटॉक्सिकोसिस में ट्रेमर्स में दे सकते हैं एज से है आप हाइपरटेंशन में दे रहे होते हैं उसके अलावा ए से आप एंजाइना में दे रहे होते हैं पी uh, से आप प्रोफाइल एक्सिस में दे रहे होते हैं एंजाइना में उसके बाद नेक्स्ट पी से आप फ्यूसाइटोक्रोमा में ए से एरिमिया एंगजाइटी वगैरह और डी से डिजॉक्सेंट टॉक्सिसिटी वगैरह ये डिजॉक्सेंट टॉक्सिसिटी आप जाके सी वी एस में करोगे माइग्रेन में दे रहे होते हैं तो इट्स ऑल डिपेंड्स इसके लिए आपको मैं बता देती हूँ एक पी डी एफ होता है शायद आप लोगों के पास भी अवेलेबल हो किंग खान के नाम से पी डी एफ होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे निमोनिक्स लिखे होते हैं तो आई डू प्रेफर कि आप उसको कंसल्ट कीजिएगा उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो एडवर्स इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्स इफेक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका भी एक निमोनिक होता है बीबीसी लंदन टीवी बाकी आप बेहतर जानते हो कि किस तरीके से आपको करने हैं ओके देन मूविंग फॉरवर्ड ये टेबल ये पिछले साल प्रॉफ का एसी क्यू था एज इट इज चार नंबर का ठीक है तो इसको तो आपने गोल के पीछे ने अगर आपको यहाँ से मुश्किल लगता है तो आ, आप जो है ना कैटसिंग से कर लीजिएगा ये वाला टेबल टेबल क्या था ग्लोकोमा में ड्रग ट्रीटमेंट क्या होता है ग्लूकोमा का आपने ड्रग्स के नाम बताने थे ये क्लास बतानी थी और ये नाम बताना था जब आप सारी ड्रग्स पढ़ लेंगे ना तो आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत आसान लगेगा साइड इफेक्ट्स रहने दें ठीक है साइड इफेक्ट नहीं करने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब आप पढ़ लेंगे सारी ड्रग्स मतलब डिफरेंट सिस्टम में जाके तो आपको ये आसान लगेगा फिलहाल के लिए आपने सिर्फ क्लास याद करनी है और ड्रग के नेम्स याद करने हैं उसके बाद ये है ये कभी एस सी क्यू में नहीं आया आज तक लेकिन ओब्वियसली बीटा वन एंटागनिस्ट हैं तो ओब्वियसली बीटा वन मतलब हार्ट से रिलेटेड तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा था सेम्पथटिक सिस्टम में तो ये डिक्रीज़ करेंगी उसके अलावा ये पूछते होते हैं कि पार्शियल एगनिस्ट कौन सी हमारे पास बीटा ब्लॉकर है हमारे पास जो कर रही होती है पार्शियल एगनिस्ट एक्टिविटी तो वो हम लोग मोस्टली जो कहते होते हैं पिंडो का जिक्र करते होते हैं उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो हाँ जी ये लबिटा लोल का उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से हम इसको हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन में दे रहे होते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनर्जी कैंटगनीस बाकी आपको मैं टेबल्स दिखा देती हूँ जो कैट से ऐड किए हैं मैंने जो आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं ये आपकी समरी है ये आप एंड पे आप देख सकते हैं वहाँ से और अगर आप यहाँ से चीज़ें उठा के लिपन पर लिखना चाहें यहाँ लिख लें या लिपन से उठा के वहाँ लिखने चाहें तो अप टू यू ये है जी ग्लोकोमा की ड्रग्स का ये आपका पूरा एज इट इज़ ऐसे ही यू क्यू आता है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एक चीज़ और याद रखिएगा आगे सी वी एस में जाके आपको फार्माकोकाइनेटिक्स की बात होगी आपको फार्माकोकाइनेटिक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ठीक है जहाँ भी आती है छोड़ दें उसके बाद ये क्लासिफिकेशन है सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अभी तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी भी पोर्शन में तो आप जो है ना पूछ सकते हैं या कोई सजेशन देना चाहें कि नेक्स्ट किस सिस्टम की गाइडलाइंस दी जाए या किस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया जाए तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन ओके